आपके बांसवाड़ा की इकोनॉमी मजबूत हो गई। पहले जो है चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो आपका शिल्प कास्ट के लोग हों, चाहे जनरल कास्ट के लोग भी क्यों नहीं हों, पैसे वाले ज़्यादा नहीं थे वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। नरेगा आया है तब से पैसा आपको मिलता मजदूरी के रूप में, पक्के काम होते तो मेटल कंपोनेंट के रूप में, वही पैसा वापस आप खर्च करते हो दुकानों पर, दुकानदार पैसा इकट्ठा करके वापस चीज़ें खरीदता है। इस प्रकार पूरे आर्थिक इकोनॉमिक गतिविधि है आपकी आदिवासी क्षेत्र की, ये आपके नरेगा की देन है। और काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला ये जिले बनते जा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, हमारी बहनें बेटियाँ बैठी हुई है और मैंने इन सबको बनाया है, जन आधार कार्ड का मुखिया बनाया महिलाओं को, और महिलाएं जाके कार्ड ले रही है कैंपों के अंदर, 25 लाख बीमे का भी है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं हम लोग जो उज्ज्वला योजना में है, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आप लोग बैठे अधिकांश लोगों के बिल 0 आएगा, अब आपके बिजली का बिल आएगा ही नहीं, 0 बिल आएगा। किसान लोग हैं 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फायदा मिलेगा। किट मिलेगा खाने के लिए, सामान तेल भी है, दालें भी हैं, शक्कर भी है, गायों के लिए बीमा कर दिया है, अगर कोई लंपी में गाय मर गई है आपके क्षेत्र में तो 16 तारीख को आप देखिएगा, आपको नाम रजिस्टर्ड हो गए होंगे यहाँ पर, 16 तारीख को जयपुर में बटन दबाऊंगा और आप सबके खाते में 40,000 रुपये पहुँच जाएंगे, एक एक खाते के अंदर पहुँच जाएंगे। जिनकी गाय मर गई है उनको सिर्फ मिलेगा 40,000 एक गाय के लिए, और आगे के लिए 2 गायों का मैंने बीमा कर दिया है, गाय या भैंस कोई हो, 40,000 का बीमा है। वो जो कार्ड मिल रहे हैं आपको वो 40,000 के बीमे हैं। कोई गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, उसको जो है बीमा कंपनी से हम 40,000 रुपये दिलवा देंगे, उसको प्रीमियम हम भर रहे हैं उसका, सरकार भरेगी प्रीमियम, और बीमा 2 गायों का हो गया आपका आगे के लिए भी। इस प्रकार से हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, शानदार योजनाएं लागू हो रही है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि महिलाओं को स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मिलेंगे आने वाले वक्त के अंदर, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जमाना बदल गया है, फोन का है, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, और महिलाएं काम देती है। तो मेरा मतलब है कि सरकार ने एक के बाद एक इतनी योजना बनाई है, उसका लाभ आप देखिएगा।